हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्ट्रेस है, टेंशन है, बट इस टाइम आपको अपना वक्त इन चीज़ों पे वेस्ट ना करते हुए सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई पर, रिवीजन पर और एमसीक्यू सॉल्व करने पर। हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंडर हम यूनिट 6 को, जो कि स्पेशलाइजेशन पोर्शन की है, यूनिट 5 एंड यूनिट 4, इसको हम रिवाइज कर चुके हैं। आज हम करेंगे यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज, जिससे मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर फोकस करना है, रिविजन एंड एमसीक्यूज। अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक्स पर एमसीक्यूज अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट है, जिसपे मैंने हर यूनिट के हर एक टॉपिक पे MCQs लाए हैं। वो आप एक बार ज़रूर जाके उसे सॉल्व कीजिए, आपको आपकी तैयारी में ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं तो वो आप हमारी ऐप पे जाके दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम रिवाइज करेंगे, दैट इज थियोरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यूनिट 2 में ये टॉपिक मेंशन है और इसमें दो सोशियोलॉजिस्ट, दो स्कॉलर्स की जो थियोरीज हैं वो हमको पढ़नी है, दैट इज फ्रूड एंड एरिक्सन। तो सिगमंड फ्रूड का कहना है कि ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी है वो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट से बनती है। पहला है आईडी, सेकेंड इज ईगो एंड थर्ड इज सुपर ईगो। ये तीनों पार्ट्स एक ह्यूमन पर्सनैलिटी को एक फेस देते हैं, एक आप कहें एक तरह का आउटर अपियरेंस देते हैं। कौन सा पार्ट कितना ज़्यादा हावी है बाकी पार्ट्स पे, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है एक पर्सन की पर्सनैलिटी। आईडी क्या है? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड, आईडी इज द डिज़ायर, दैट पार्ट ऑफ मेंटल सेटअप जो डिज़ायर्स को और इम्पल्सिस को रेगुलेट करता है, इंसान की इच्छा, ठीक है, जो वो चाहता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड आईडी। सेकेंड इज ईगो, ईगो वो पोर्शन है हमारे मेंटल सेटअप का, माइंड का, जो कि हमें अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है, बट इन कन्फर्मिटी विद द सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। सोसाइटी ने जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज बना रखे हैं उनके हिसाब से हम किस तरह से अपने डिजायर्स को फुलफिल करें ताकि हमें कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करने पड़े। लाइक किसी को बहुत ज़्यादा मनी अर्न करने का डिज़ायर है, ठीक है, या मटेरियलिस्टिक लाइफ का डिज़ायर है, तो हाउ ही विल अर्न इट विदाउट फेसिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस? बाय फॉलोइंग अ लीगल सोर्स, है ना, जो कानूनी तौर से सही होगा तरीका पैसे अर्न करने का। ये नहीं कि वो यू कैन से स्मगलिंग करना स्टार्ट कर दे या चोरी करना स्टार्ट कर दे। तो ये जो पोर्शन है ये ईगो रेगुलेट करता है। एंड लास्ट इज द सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारे कॉन्शियस माइंड का, कंसाइज का वो पोर्शन है जो इन दोनों में बैलेंस मेंटेन करता है, ईगो में लाइक सोसाइटी के वैल्यूज नॉर्म्स की कन्फर्मिटी में, एंड डिजायर्स में कि एट द एंड ऑफ द डे जो पर्सन है वो खुद को भी सेटिस्फाइड कर पाए और जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसके नॉर्म्स और वैल्यूज को भी फॉलो कर सके। ठीक है, अब ये जो तीनों इंपॉर्टेंट पोर्शन है पर्सनैलिटी के, ह्यूमन पर्सनैलिटी के या ह्यूमन माइंड के या मेंटल सेटअप के, यू कैन से, ये डेवलप होते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड इन 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस हैं, जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, अ ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न, टिल उसके डेथ से वो डिफरेंट स्टेजेस से पास थ्रू करता है। और उन डिफरेंट स्टेजेस पे ये आईडी, ईगो और सुपर ईगो का जो पोर्शन है वो डेवलप होता है टू डिफरेंट ग्रेड या यू कैन से डिग्रीज। ठीक है, तो जो 5 स्टेजेस सिगमंड फ्रूड ने बताई थी, उनकी पहली स्टेज है ओरल स्टेज, जो कि 0 to 1 years, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर 1 साल तक एक्ट करती है। ये वो स्टेज है जहाँ पर अ पर्सन सेटिस्फाइज ऑल हिज डिज़ायर थ्रू हिज माउथ। बच्चा है, छोटा है, हर तरह के डिज़ायर, हर तरह के इम्पल्स को सेटिस्फाई करता है अपने माउथ से। ठीक है, दैट इज़ द ओरल स्टेज। ठीक है, क्योंकि और अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड ये जो आईडी पोर्शन है ना पर्सनैलिटी का, वो पर्सन उसके साथ बॉर्न होता है। ठीक है, आईडी इज देयर इन द पर्सन व्हेन ही और शी इज बॉर्न। ठीक है, वो प्रेजेंट होता है उस टाइम, ईगो एंड सुपर ईगो लेटरली डेवलप होते हैं। ठीक है, अगर इंसान की ओरल नीड सेटिस्फाइड हो जाती हैं, उसके फैमिली, उसकी जो नियर ग्रुप है वो उसकी नीड्स को फुलफिल कर देता है, क्योंकि उस टाइम पे वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता अपनी नीड्स को, तो ही विल डेवलप अ यू कैन से स्टेबल पर्सनैलिटी इन फ्यूचर में, क्योंकि ही विल डेवलप अ कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट। फाइन, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, दैट इज एनल फेस, दैट इज 1 to 3 years में इट इज वर्किंग। वन टू थ्री इयर्स ऑफ एज में
सेकेंड फेज आती है, दैट इज अनाल फेज. अनाल फेज में पर्सन की जो बेबी है, जो ह्यूमन बींग है, ही इज गेटिंग ट्रेन्ड फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग. ठीक है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे अपने स्टूल मोशन पे, यूरिन मोशन पे ही इज गेटिंग हिज कंट्रोल. ठीक है, तो अगर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग तो सही हुई है तो वह एक स्टेबल पर्सनैलिटी होगी. और अगर बहुत ज़्यादा रिजिड हुई है, बहुत ज़्यादा आप कहीं स्ट्रिक्ट हुई है, तो वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस होगा ऑर्डर से, कि हर चीज़ पर्टिकुलर टाइम पे होनी चाहिए, ऑर्डर्ड में होनी चाहिए. ठीक है, तो ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि हर चीज़ फिक्स टाइम पर चाहिए. ठीक है, तो उसकी पर्सनैलिटी में ऑब्सेशन आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज फैलिक स्टेज, जो कि 30 से 6 साल के बीच में एक्ट करती है. ये वो टाइम है जब पर्सन आउटर वर्ल्ड में एंटर करता है थ्रू द स्कूल, और अपने पीयर ग्रुप्स में भी वो इन कॉन्टैक्ट आता है. इस दौरान में दो इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं इस स्टेज में, वो है एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और एक है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज फॉर द गर्ल्स एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज फॉर द बॉय. इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड, जो चाइल्ड है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो चाइल्ड है, वो प्लेजर लेता है थ्रू देयर जेनिटल्स. ठीक है, सेक्सुअल डिजायर उनकी डेवलप होती है टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स. अब उस टाइम पे उनके कॉन्टैक्ट में सिर्फ दो ही ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं, दैट इज फॉर अ बॉय चाइल्ड इट इज हिज और हिज मदर, और फॉर अ गर्ल चाइल्ड इट इज हर फादर. ठीक है, तो उनका एक तरह का अट्रैक्शन या बॉन्ड स्ट्रांग होता है ऑपोजिट सेक्स से, तो उसी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स. जब बॉय जो है ज्यादा एफिनिटी फील करता है टुवर्ड हिज मदर, और जब एक बेबी गर्ल ज्यादा एफिनिटी और स्ट्रांग बॉन्ड फील करती है टुवर्ड्स हर फादर, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. ठीक है, नेक्स्ट आती है लेटेंसी स्टेज, जो कि 6 to 12 ईयर्स में है. इस एज में दोबारा से कंसाइज और सुपर ईगो जो है स्ट्रांगली डेवलप होता है, और पर्सन जो है, जो चाइल्ड है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी सेक्सुअल डिजायर पे कंट्रोल करना सीखता है. ठीक है, नेक्स्ट आती है जेनिटल, दैट इज द लास्ट स्टेज 12+ ईयर्स में. इस स्टेज में सेक्सुअल इंपल्सेस रीएमर्ज हो जाती हैं, और इफ इस स्टेज में एडोलसेंस अगर प्रॉपर अप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर में एंटर करते हैं, तो इट कैन लीड टू मैरिज और चाइल्ड बर्थ और अ यू कैन से स्ट्रांग रिलेशनशिप इन फ्यूचर, इंटीमेट रिलेशनशिप इन फ्यूचर. ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस सिगमंड फ्रूड ने दी हैं. ओरल स्टेज, ठीक है, ओरल स्टेज वॉज फॉर 0 to 1 ईयर्स में ओरल स्टेज है. देन कम्स द अनाल स्टेज, दैट इज 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज. फिर आती है फैलिक स्टेज 3 to 6 ईयर्स में. देन 6 to 12 एज में आ जाती है लेटेंसी, एंड 12+ ईयर्स में आ जाती है जेनिटल. नेक्स्ट थ्योरी जो हमें करनी है वो है एरिक्सन की थ्योरी. एरिक्सन ने, अब सिगमंड फ्रूड ने मोस्टली जो फोकस किया था दैट इज टुवर्ड्स द सेक्सुअल डिजायर पे, बट एरिक्सन ने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की. इसमें उन्होंने इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी और कल्चर को भी बताया. ठीक है, तो जो उनकी थ्योरी है, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में किस तरह से सोसाइटी कल्चर अफेक्ट करता है उसके बारे में बताया. तो उन्होंने टोटल 8 स्टेजेस दी हुई हैं, जिस स्टेज में उन्होंने बताया किस तरह से एक पर्सन डेवलप करता है. पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. मिसट्रस्ट टाइम पीरियड सेम ही है जैसा उन्होंने ओरल स्टेज का बताया था सिगमंड फ्रूड ने, 0 to 1, इट इज सिमिलर 1 to 12 मंथ्स तक. ठीक है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट. पर्सन हर अपनी नीड के लिए ही इज डिपेंडिंग अपॉन नियर वंस, पेरेंट्स या फिर अपने जो केयर टेकर्स हैं उन पर डिपेंड करता है. तो अगर उसकी फुलफिल हो जाती है बेसिक नीड्स, तो वो ट्रस्ट करना सीखेगा, और अगर नहीं तो ही विल डेवलप अ मिसट्रस्ट टुवर्ड्स द रेस्ट सोसाइटी. ठीक है, सेकेंड स्टेज आती है ऑटोनमी वर्सेज शेम. ये टाइम पीरियड है 1 to 3 ईयर्स का, टॉडलर्स का, जब एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं बच्चे आउटसाइड वर्ल्ड को. और इस दौरान अगर उनको कुछ चीज़ों का करने की फ्रीडम दी जाए, कि उनको उनके क्लोथ चूज करने का, फूड, प्ले, टॉयज, ये चूज करने में उनको फ्रीडम दी जाए, कि अगर लड़कियां भी चाह रही हैं कि वो कार टॉयज से या एरोप्लेन के टॉयज से खेले, तो उन्हें खेलने दिया जाए, उन्हें फोर्स ना किया जाए कि वो डॉल्स के साथ खेलें या किचन सेट्स के साथ खेलें. तो इस दौरान से अगर इस तरह की फ्रीडम उन्हें दी जाएगी, तो दे विल डेवलप ऑटोनमी, अदरवाइज शेम, डाउट. तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो डिफरेंट स्टेजेस है, ये क्या सिग्निफाई करती है और कौन से एज में ये फॉलो करती है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट आएगी 3 to 6 ईयर्स की एज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. दिस इज द टाइम व्हेन द पर्सन, अ पर्सन और चाइल्ड एंटर इनटू अ प्री स्कूल स्टेज. अपने एज ग्रुप के साथ वो इंटरैक्ट करना स्टार्ट करता है,
इनिशिएट करना स्टार्ट करता है एक्टिविटीज़, अगर वो उन एक्टिविटीज़ में सक्सेसफुल हुआ, गोल सेटअप किया एंड ही विल एबल टू इंटरैक्ट एंड प्ले, तो डेवलप होगा इनिशिएटिव, अदरवाइज गिल्ट. नेक्स्ट कम द स्टेज इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, दैट इज द एज टाइम ऑफ 6 to 12 ईयर्स. इस टाइम पर पर्सन फर्दर बॉन्ड्स बनाता है, फ्रेंडशिप सर्कल्स बनाता है और बहुत से पीयर्स के साथ जो है मैच करने की कोशिश करता है. अगर तो वो अपने पीयर ग्रुप में फिट हो जाता है तो ही विल डेवलप इंडस्ट्री, अदरवाइज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को फेस करता है बच्चा. नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो एडोल्सेंस के टाइम पे होता है, दैट इज 12 to 18. पर्सन अपने सोशल और बायोलॉजिकल अपीयरेंस को मैच करने की कोशिश करता है, अगर वो सिमिलर पाए गए उससे तो आइडेंटिटी, अदरवाइज ही विल डेवलप अ रोल कन्फ्यूजन कि बायोलॉजिकली ही इज समवन और सोशली वो अपने आप को किसी और चीज़ से आइडेंटिफाई कर रहा है. नेक्स्ट आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि फॉल करती है फ्रॉम 20 to 40. अगर तो पर्सन एडोल्सन ने प्रीवियस स्टेज पर अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसे उस आइडेंटिफिकेशन में सोसाइटी का सपोर्ट मिला है, तो वो एक अच्छा इंटीमेट रिलेशनशिप फर्दर अपनी लाइफ में बनाने में सक्सेसफुल होगा. अदरवाइज क्योंकि वो खुद को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, उसके खुद के ही आइडेंटिफिकेशन में रोल कन्फ्यूजन है, सोसाइटी ने उसे वो करने नहीं दिया जो वो चाहता है, उस तरह से आइडेंटिफाई करने नहीं दिया खुद को जिस तरह से वो खुद को आइडेंटिफाई करता है, तो वो कभी भी स्ट्रॉन्ग इनिमेट रिलेशनशिप में एंटर नहीं होगा, ही विल फेस आइसोलेशन. नेक्स्ट आता है 40 to 60 ईयर्स की एज का, जो कि मिडल एडल्टहुड की एज है, जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन. इस टाइम पर पर्सन जो है अब सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है, वॉलंटरी एक्टिविटीज से, मैरिज से, चाइल्ड बर्थ से, बच्चों की देखरेख करके, और अगर वो इन सब चीज़ों में पॉसिबल ना हो पाए, ना कर पाए इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट, तो ही विल फेस स्टैग्नेशन कि एक तरह से जो जिंदगी है वो रुक गई है. नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर फ्रॉम मिड 60 टू एंड ऑफ द लाइफ. ये वो टाइम पीरियड है जब लास्ट में, जब आप पूरी लाइफ ऑलमोस्ट 60 ईयर्स की लाइफ है, अप एंड डाउन की है, पर्सन एक अपनी पूरी लाइफ को ओवरहॉल ओवरव्यू देता है और देखता है कि उसने अपनी लाइफ सक्सेसफुल जो वो चाहता था करना उसने वो किया, जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट करना चाहता था सोसाइटी को वो किया, जो चीज़ें वो अचीव करना चाहता था क्या वो उसने अचीव की. अगर तो इन सब चीज़ों में वो सक्सेसफुल रहा तो ही विल डेवलप इंटीग्रिटी, अदरवाइज डिस्पेयर कि निराशा की सिचुएशन में वो अपने आप को फेस करेगा. ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट थियोरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें दो इंपॉर्टेंट थियोरी, दैट इज फ्रूड की एंड एरिक्सन की. आपको ध्यान रखनी है एज एंड द डिफरेंट नेम ऑफ द स्टेजेस और वो क्या सिग्निफाई करती है. सबसे इंपॉर्टेंट है एज की, कौन से एज ग्रुप में वो फॉलो करती है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन क्या है, जैसा हमने पढ़ा अभी, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं. अब जब पर्सन डिफरेंट स्टेजेस से गो थ्रू कर रहा है, चाहे वो एरिक्सन की स्टेजेस हों या फ्रूड की स्टेजेस हों, तो इन डिफरेंट स्टेजेस पे फैमिली, पीयर ग्रुप, सोसाइटी, कल्चर, ये सब उस पर इफेक्ट कर रहे हैं, तभी वो या तो ट्रस्ट को डेवलप कर रहा है या मिसट्रस्ट को. ठीक है, या तो वो आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है या रोल कन्फ्यूजन को. ठीक है ना, या तो वो इनिशिएटिव को फॉलो कर रहा है या तो गिल्ट को. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट जो आसपास के लोग हैं उसको डिफरेंट तरह का इम्पैक्ट उस पर डाल रहे हैं. तो इसी प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं. एक बच्चा जब वो पैदा होता है उसे कुछ नहीं पता कि सोसाइटी में कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे करना है, कुछ नहीं. कुछ रिफ्लेक्सेस के साथ और कुछ डिजायर्स के साथ वो पैदा होता है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली जैसे वो ग्रो होता है, जैसे वो अपनी सराउंडिंग्स के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो डेवलप करता है डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, किस तरह से उसको अपनी सोसाइटी में अपनी लाइफ को टेक ओवर करना है. ठीक है ना, हर रिलीजन में, हर कल्चर में रहने का तरीका अलग है. तो ये सब कैसे सीखता है पर्सन, सोशलाइजेशन से. ठीक है, तो सोशलाइजेशन इज अ पर्सन जिससे बायोलॉजिकल पर्सन को, बायोलॉजिकल मैन को एक सोशल बींग में, ह्यूमन बींग को एक सोशल बींग में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, ओके. टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो पर्सन जैसे ही बॉर्न हुआ तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आएगा अपने पेरेंट्स के और अपने सिबलिंग से. तो वो उनसे जो चीज़ें सीखेगा, बेसिक चीज़ें, ठीक है ना, जो घर की हैं, बात करने का तरीका, बोलने का, खाना, चलना, ठीक है, जो बेसिक फीचर्स जो हैं वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आएंगे. सेकेंडरी सोशलाइजेशन आती है जब वो अपनी इमीडिएट फैमिली से बाहर आता है, अपने पीयर ग्रुप में, स्कूल में, सोसाइटी में एंटर करता है और वो बाकी चीज़ें सीखता है. अब स्कूल में जाएगा तो डिफरेंट तरह के लेसन्स, डिफरेंट तरह के कोर्सेज, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, साइंटिफिक नॉलेज, ये सब वो सीखेगा. तो दिस इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन.
नेक्स्ट आती है अडल्ट सोशलाइजेशन। अब पर्सन जब बड़ा हुआ तो वो डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप में एंटर करता है। वो जॉब करता है तो बनता है उसका सीनियर एंड जूनियर का रिलेशन, कलीग्स के साथ एक डिफरेंट रिलेशन बनता है। व्हेन ही गेट मैरिड तो वो स्पाउस का रिलेशन, फादर का, मदर का, तो डिफरेंट तरीके के रिलेशन में एक पर्सन एंटर करता है। और इस सोशलाइजेशन को कि डिफरेंट रोल्स को सोसाइटी में रहते हुए उसको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को सेपरेट रखते हुए किस तरह से उसको ये सभी रोल्स जो हैं वो परफॉर्म करने हैं, दैट इज कॉल्ड एडल्ट सोशलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी मतलब एंटीसिपेशन होता है किसी चीज के बारे में इच्छा करना, सोचना, चाहना। ठीक है ना, तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है कि आप जिस ग्रुप में एंटर होना चाहते हैं, जिसकी तरह बनना चाहते हैं, आप उस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई डिफेंस सर्विसेज में एंटर होना चाहता है तो वो उस तरह का अपना बॉडी बिल्ड बनाता है। ठीक है ना, फिजिकल सेटअप अपना उस हिसाब से बनाता है, अपनी बॉडी वेट सबको उस हिसाब से ढाल लेता है, तो दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। किसी को अगर शोबिज में जाना है तो वो उस तरह से अपने आप को फिगर को मेंटेन करेगा। ठीक है ना, सो दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन क्या हुआ कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं या ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जब उनको रिहैब सेंटर में डाला जाता है और वो अपनी उस लाइफ को छोड़ के दोबारा से मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एंटर होना चाहे, तो जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं उन्हें वॉश आउट करना है और उनको एक नए तरीके से सोसाइटी के बेसिक रूल्स और नॉर्म्स को दोबारा से सिखाना है। सो दैट इज कॉल्ड री सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट आप हैं एजेंसीज हैं जो सोशलाइजेशन करती हैं, दीज आर मैंशन हियर। पहले है फैमिली, पीयर ग्रुप, रिलीजन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑक्यूपेशन। तो इस तरह हो सकता है कि आपको ऑप्शन मेंशन हो और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जो है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन नहीं है या कौन सा जो है मेन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। ठीक है, तो आप इसका नाम एक बार गो थ्रू कर ले कि फैमिली, पीयर ग्रुप, रिलीजन, क्योंकि देखिए डिफरेंट तरह के रिलीजन में सोशलाइजेशन अलग होती है। ठीक है ना, कि आपको किस तरह का ईटिंग बिहेवियर होगा, किस तरह से आप पूजा करेंगे, किस तरह का आपका अपीयरेंस होगा, आप क्लोथिंग किस तरह की पहनेंगे, ये हर रिलीजन में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो सोशलाइजेशन में भी रिलीजन हेल्प करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑक्यूपेशन, फाइन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द वेरियस थियोरी ऑफ सोशलाइजेशन। सिगमंड फ्रूड की थियोरी सिमिलर है जैसे उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट में बताई थी, सिमिलर वही कंसेप्ट है। तीन चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। और उन्होंने कहा कि पर्सन बॉर्न होता है आईडी के साथ और जो ईगो और सुपर ईगो है वो लेटर ऑन सोशलाइजेशन के प्रोसेस में डेवलप होते हैं, जब वो सोसाइटी के कॉन्टैक्ट में आता है, पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट में आता है, पीयर ग्रुप के कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे उसको नॉर्म्स एंड वैल्यूज सिखाए जाते हैं। अगर नॉर्म्स एंड वैल्यूज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसकी लाइफ में इनकलकेट कर दिए गए हैं स्ट्रिक्ट वे में, तो ईगो डोमिनेंट हो जाएगा। अगर उस तरह का उसको सोशलाइजेशन नहीं मिली, उस तरह से नॉर्म्स एंड वैल्यूज उसके अंदर नहीं इम्बाइब किए गए, तो आईडी डोमिनेंट हो जाएगा। और अगर एक आप बैलेंस पर्सनैलिटी बनाई गई है कि पेरेंट्स और सिबलिंग्स और पीयर ग्रुप के थ्रू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उसे एक बैलेंस पर्सनैलिटी में बनाया गया है कि किस तरह से दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, तो सुपर ईगो डोमिनेंट होगा। ठीक है, और वो एक बैलेंस्ड ह्यूमन बींग की तरह ग्रो होगा। ठीक है, सो दैट वॉज द थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रूड। ये यहाँ पे यही सब मेंशन है। नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज कूलीज थ्योरी। उन्होंने दी थी लुकिंग ग्लास सेल्फ। अब लुकिंग ग्लास सेल्फ का क्या मतलब है कि जब आप शीशे को देखते हैं तो आप अपना ही इमेज को वहां देखते हैं। ठीक है, तो उनका कहना ये था कि पर्सन जब सोशलाइज होता है, जब वो सीखता है चीज़ें, तो वो अपने आप को उसी नज़रिए से देखता है जिस नज़रिए से सोसाइटी उसे बताती है कि वो है। ठीक है, पॉइंट इज कि द कंसेप्ट जो उन्होंने फर्स्ट सबसे पहले दिया था दैट वॉज ऑफ सेल्फ। अब यहाँ पे सेल्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, इट इज नॉट कंसर्न विद द फिजिकल अपियरेंस और फिजिकल बॉडी। सेल्फ का मतलब है एक पर्सन की थिंकिंग, उसकी डिजायर्स, उसकी सोच, वो सब चीज़ें सेल्फ के अंदर आती हैं। और सेल्फ कैसे डेवलप होगा, बाय लुकिंग ऑन टू द सोसाइटी, कि सोसाइटी उसे कैसे देख रही है। अगर सोसाइटी उसे कह रही है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो वो अपने आप को इंटेलिजेंट कंसीडर करेगा। सोसाइटी उसे कह रही है कि यू आर अगली, यू आर नॉट गुड, यू आर गुड फॉर नथिंग, तो वो अपने आप को उसी तरह से ट्रीट करेगा एंड ही विल एंटर इनटू अ डिप्रेशन।
तो उनका कहना था कि सोसाइटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सोसाइटी जिस तरह से आपको प्रेजेंट करती है आप खुद के बारे में, उसी तरह की मेंटालिटी बनाते हैं और ऑन अ लॉन्ग रन आपका सेल्फ भी वैसा ही बन जाता है. ठीक है, जैसे आपने वो सुनी होगी बात की कुछ ट्राइबल्स ग्रुप में पेड़ को जलाने के लिए, पेड़ को वो काटते नहीं है, जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो उसे काटते नहीं है, 10-12 लोग उसके आगे पीछे खड़े होके ना जस्ट उसकी तरफ फिंगर पॉइंट आउट करके ना वो उसे बुरा भला कहना शुरू करते हैं और कुछ दिनों के अंदर वो जो पेड़ है वो मुरझा के खुद ब खुद गिर जाता है. सो दैट इज़ द इम्पैक्ट कि आप किस तरह से सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि सोसाइटी आपको किस तरह से बताती है कि आप क्या हैं, आप अपने आप को उसी हिसाब से इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थियोरी है वो है मीड की, जी एच मीड की. उन्होंने सेल्फ का कंसेप्ट जो कुले ने दिया था उसी को आगे फॉरवर्ड किया. उसमें सेल्फ के अंदर उन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को एड ऑन किया, पहला था आई और दूसरा था मी. आई एंड मी, दिस बोथ आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ. अब सेल्फ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल बॉडी नहीं है, ये एक इंसान का जो है मेंटल कंस्ट्रक्शन है, उसकी सोच, उसके डिजायर्स, उसके इंपल्सेस, उन सब के बारे में बताता है. अब इसके दो पोर्शन हैं, आई एंड मी, आई और मी. ठीक है, अब मीड का कहना था कि ये जो आई है ये आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स है किसी भी चीज को लेके, कि अगर आपको किसी ने कुछ बुरा कहा तो आप इमीडिएटली कैसा आपका रिएक्शन होगा, आपको गुस्सा आएगा कि आप शांत रहेंगे, दैट इज इमीडिएट रिएक्शन. आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, यू आर इवन नॉट अवेयर ऑफ इट. आई के लिए आप अवेयर भी नहीं है, इट इज इमीडिएट रिस्पॉन्स. ठीक है, और अक्सर जो इंडिविजुअल है वो इसके अनअवेयर होता है, ही इज नॉट अवेयर ऑफ इट, आई का. पर जब मी की बात की जाती है तो उनका कहना था कि मी एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है. कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स मतलब अब आपको किसी ने कुछ ऐसी बात कही जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन आप पब्लिक प्लेस में है या किसी ऐसी जगह पर है या आप मंदिर में है, वहाँ पे किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया, अब उस वक्त आपको गुस्सा आया बट आप अपना गुस्सा निकालेंगे नहीं, यू विल थिंक, और वहाँ पे आप नहीं रिवर्ट बैक करेंगे. ठीक है, आप शांत रहेंगे और आप घर आ जाएंगे. पर कैसे हुआ ये चीज़, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं था, ये आपने सोचा कि नहीं ये मंदिर है यहाँ पे इस तरह से बात करना सही नहीं है, तो दैट वॉज अ कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स. ठीक है, तो मी जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन डेवलप होता है, दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स, जो आपको सोसाइटी, पेरेंट्स सिखाते हैं, जो संस्कार डाले जाते हैं, जो वैल्यूज नॉर्म्स सोसाइटी के थ्रू डाले जाते हैं कि ऐसी जगह पर इस तरह से बिहेव नहीं करना है, आपको घर पे किस तरह से रहना है, पब्लिक प्लेस पे कैसे रहना है, तो ये सब चीज़ें जो इंकल्केट की जाती हैं उसके थ्रू डेवलप होता है मी. और मी जो है दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स. ठीक है, और पर्सन इज अवेयर ऑफ इट. ठीक है, जनरली जो पर्सन है वो इससे अवेयर होता है. और एक और डिफरेंस है आई और मी में, आई जो है जनरली स्टेटस जो है स्टेटस को चेंज करने के लिए ये हमेशा फोकस करता है कि जो भी सिचुएशन, जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है या जिस तरह का भी सिनेरियो मेंटेन है, जो भी नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं, जो भी वैल्यूज फॉलो किए जा रही हैं, उनको चेंज किया जाए. ठीक है, सो इट फोर्सेस टुवर्ड्स चेंज. लेकिन जो मी है ये जो है ये स्टेटस क्वो की तरफ जाता है कि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं ना, जिस तरह से सोसाइटी में नॉर्म्स हैं उसी को फॉलो किया जाए. ठीक है, जिस तरह से आपको बताएं कि कोई भी अगर सपोज सोसाइटी में एविल है तो आई जो है इस तरह की तरफ फोकस करेगा कि आपको सोसाइटी से हटकर काम करना है. कि सोसाइटी अगर कह रही है कि इस सोशल एविल को कंटिन्यू करो, लेट टेक्स एन एग्जांपल ऑफ एनीथिंग लाइक सती प्रथा की ले ले, तो आई विल फोर्सेस यू टू टेक अ डिफरेंट स्टेप फ्रॉम द सोसाइटी. लेकिन मी क्या कहेगा कि नहीं, सोसाइटी अगर इस चीज़ को कंटिन्यू कर रही है तो आपको उसी तरफ चलना है. ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट जी एच मीड थियोरी ऑफ सोशल बिहेवियरलिज्म, जहाँ पे उन्होंने सेल्फ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, आई एंड मी. साथ ही उन्होंने बताया ये जो आई एंड मी हैं ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डेवलप होते हैं. आई तो सम पार्ट इज देयर व्हेन अ पर्सन बॉर्न, लेकिन मी जो है वो डेवलप होता है सोशलाइजेशन में. और सोशलाइजेशन की उन्होंने कितनी स्टेज बताई, 3 स्टेजेस बताई. पहली इमिटेशन, सेकेंड प्ले एंड थर्ड इज गेम. इमिटेशन,
प्ले एंड गेम। इमिटेशन में क्या होता है, पर्सन जो है सिर्फ अपनी फैमिली के कॉन्टैक्ट में आया है और ही इज जस्ट इमिटेटिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को सिर्फ वो इमिटेट कर रहा है या सिबलिंग को इमिटेट कर रहा है, खुद की अभी कंसाइज, खुद की अभी कॉन्शियस माइंड नहीं डेवलप हुआ है। प्ले स्टेज में वो स्टार्ट करता है इमिजिएट अदर्स का रोल लेना। इमिजिएट अदर्स मतलब वही अभी फैमिली के ही कॉन्टैक्ट में, लेकिन उनका रोल्स को वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है। ही टेक द रोल्स ऑफ इमिजिएट अदर, इमिजिएट अदर होगी उसकी इमिजिएट फैमिली। देन कम्स द गेम स्टेज जहां पर वो जनरलाइज्ड अदर, जनरलाइज्ड अदर क्या होता है, जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, आपके ऑफिसेज हो गए, पूरी सोसाइटी, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, तो उनके हिसाब से अपने आप के रोल्स को ढालना, दैट इज टेकिंग द रोल ऑफ जनरलाइज्ड अदर। तो ये आता है गेम स्टेज में, ठीक है। सो इमिटेशन, प्ले स्टेज एंड गेम स्टेज, इन तीनों स्टेजेस से गो थ्रू होके एक पर्सन डेवलप करता है अपना सेल्फ और सेल्फ के इंपॉर्टेंट पार्ट को, दैट इज मी। फाइन, आई भी डेवलप होता है बट आई का सम पार्ट इज देयर व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न। सो लास्ट जो थियोरी है सोशलाइजेशन की, दैट इज ऑफ दर्खाइम। दर्खाइम की जो थियोरी है उसमें उन्होंने फोकस किया था कि सोसाइटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन। उनका मानना ये था कि पर्सन जो है वो कुछ भी नहीं है सोसाइटी के बगैर। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सोसाइटी पहले आई और पर्सन उनके बाद आया, और सोशलाइजेशन में सोसाइटी का ही इंपॉर्टेंट रोल है। सोसाइटी ही पर्सन को सही और गलत सिखाती है, सोसाइटी ही पर्सन को नॉर्म्स और वैल्यूज़ के हिसाब से रहना सिखाती है। तो पर्सन की अपनी डिज़ायर्स, अपनी इम्पल्सिस जो हैं वो सबॉर्डिनेट हैं टू द सोसाइटी, ठीक है। तो दर्खाइम की थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशलाइजेशन इज प्लेड बाय सोसाइटी। फाइन, और सोसाइटी में भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला कलेक्टिव कंसाइज। कलेक्टिव कंसाइज क्या, सोसाइटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वेब ऑफ रिलेशनशिप और अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ रहते हैं और एक तरह के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को फॉलो करते हैं। सो वो सोसाइटी जो उसके जो लोग हैं वो मिलकर जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज बनाते हैं, मिलकर जो सोच बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव कंसाइज। और कलेक्टिव कंसाइज ही पर्सन की सोशलाइजेशन करती है, ठीक है। सो दैट वॉज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दर्खाइम। सो इसके साथ हमने रिवाइज कर लिया थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट थियरीज हैं जो आपको, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कूले की थियरी, सिगमंड फ्रूड की, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में भी है तो मोस्ट प्रोबेबली उनके क्वेश्चन वहाँ से आए। यहाँ पर आपको GH मीर और कूले, उन दोनों को ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आज जो हम रिवाइज करेंगे वो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। सो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स क्या है, एंग्जाइटी क्या होती है, घबराहट, टेंशन, स्ट्रेस, ना जब किसी भी चीज़ को लेके ओवर रिएक्शन हो जाता है बॉडी का, दैट इज कॉल्ड एंग्जाइटी। अब इन चीज़ों से लेकर बहुत से डिजीज़ है जो इससे रिलेटेड हैं, डिजीज़ तो नहीं कहेंगे बट डिसऑर्डर्स यू कैन से, ठीक है ना। सो सबसे पहला जो मेंशन है दैट इज फोबिया। आपको ये ध्यान रखना है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, सिचुएशनल बेस्ड, कि आपको सिचुएशन दी जाएगी कि इस तरह का एक पर्सन है, वो इस तरह की सिम्टम्स शो कर रहा है या इस तरह से फील कर रहा है, तो ये किस तरह के डिसऑर्डर से सफ़र है, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि पर्टिकुलर डिसऑर्डर के क्या सिम्टम होते हैं, क्या कॉजेस होते हैं और किस तरह के उसके आउटकम्स होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट मोस्टली नहीं पूछा जाता, ठीक है, मे बी दे कैन आस्क बट मोस्टली इट इज़ नॉट आस्क, क्योंकि ये मेडिकल एग्जाम नहीं है, ठीक है ना, सुपरवाइजर का एग्जाम है। तो आपको बस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप किसी को, आपको किसी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए या किस तरह की सर्विस देने के लिए रखा जा रहा है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा पर्सन क्या इस तरह के सिम्टम्स दिखा रहा है, तो किस तरह के मेंटल डिसऑर्डर से चांसेस हैं कि ही और शी इज अफेक्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले है फोबिया। फोबिया को कहते हैं जब इरेशनल फियर हो, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगे, ठीक है। एक तो होता है डर, सबको लगता है, बट एक इरेशनल डर, इतना एक्सट्रीम डर हो कि आप नॉर्मल एक्टिविटी भी अपनी ना कर पाए, तो दैट इज़ फोबिया। फोबिया डिफरेंट टाइप के होते हैं, कि किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को तंग जगहों से डर लगता है, किसी को लिजर्ड्स का डर होता है, बिजली का, थंडरस्टॉर्म्स का, तो डर अलग अलग होते हैं। बट एक्सट्रीम डर वो होता है कि जब आप उस चीज़ को फेस ही ना कर पाएँ, उस चीज़ की वजह से आप अपनी नॉर्मल रूटीन जो है आपकी अफेक्टेड हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड फोबिया, ठीक है। फोबिया को ट्रीट करने का मोस्टली जितने भी है ना, आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, उनको ट्रीट करने के मेडिकेशंस तो हैं, बट जनरली वो दी जाती हैं मेंटल को, माइंड को रेस्ट करने के लिए, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट सॉर्ट ऑफ मेडिकेशंस दी जाती हैं।
लेकिन दूसरी जो थेरेपी दी जाती है दैट इज साइकोथेरेपी, जो कौन सी होती है, टॉक थेरेपी, कि जिसमें जो प्रैक्टिशनर है वो बात करेगा, काउंसलिंग करेगा, उसके थ्रू वो आपके डर को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो सभी के सभी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट है साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थेरेपी, ठीक है ना, जिसमें बात की जाएगी और आपको आपके फियर से अवेयर कराया जाएगा। मोस्टली पर्सन अवेयर ही नहीं होते कि वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, अवेयर कराया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि लाइफस्टाइल को चेंज करना, सही टाइम पे खाइए, सही टाइम पे सोइए, ठीक है ना, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। सो हर एक का जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम है, फाइन, ओके। सो नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ओसीडी क्या है, जब एक पर्सन किसी भी काम को रिपीटेडली करता है, ऑब्सेशन किसी चीज़ का हो जाना है ना, ऑब्सेशन की बहुत ज़्यादा उस चीज़ से को बार 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 रिपीटेडली करना, ठीक है, सफाई का है तो इतनी ज़्यादा सफाई, बार बार चीज़ों को ऑर्डर में रखना, सफाई में रखना, अपने हाथों को धोने लगे तो बार बार धोना, लॉक चेक किया तो बार बार चेक करना कि लॉक किया है कि नहीं, सो दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फाइन। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स ओसीडी के हैं, ओके, फियर ऑफ कमिंग कॉन्टैक्ट विथ परसीव कंटेमिनेटेड सब्सटेंसेज सच एज जर्म्स और डर्ट, फियर ऑफ कॉजिंग हार्म टू योरसेल्फ। सो दीज आर, ये जो ओसीडी है, पर्सन बार 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 उन चीज़ों को करने की क्यों कोशिश करता है, क्योंकि उसको डर है, ठीक है ना, बार बार हाथ क्यों धो रहा है, क्योंकि उसे डर है कि उसे इन्फेक्शन ना हो जाए, उसे डर्ट ना लग जाए, ठीक है ना। सो उसको एक अनवॉन्टेड और एक अनवॉन्टेड मेंटल इमेज वो बना देता है, बिकॉज ऑल दीज आर एंग्जाइटी डिसऑर्डर, तो दे आर समवॉट अफेक्टिंग अवर मेंटल मेकअप, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा कंसर्न मोर्टिलिटी मोरालिटी का, कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत, ठीक है, बार बार सोचना उसके बारे में, ठीक है, डाउट करना अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, ठीक है, नीटनेस, ऑर्डर, सिमेट्री, इन सब का, परफेक्शन का, इसका जो है आपको ऑब्सेशन होना, कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस करना, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉक किया है कि नहीं, गैस का नॉब बंद किया है कि नहीं, इन सब चीज़ों को बार बार रिपीटेडली चेक करना। ओसीडी के कॉजेस क्या है, जेनेटिक्स, ब्रेन में चेंजेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी एक रीज़न हो सकता है, मोस्टली एंग्जाइटी डिसऑर्डर में चाइल्डहुड ट्रॉमा इज वन ऑफ द मेन रीज़न, ठीक है। डायग्नोज करने का तरीका इज जनरली हिस्ट्री ली जाती है, ऐसा कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को टेस्ट करने के लिए कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं है, जनरली हिस्ट्री लेकर ही, केस स्टडी कर ही पेशेंट से बात की जाती है और उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसी से एनालाइज किया जाता है कि ही मे और शी मे बी अफेक्टेड विद डिसऑर्डर, दिस डिसऑर्डर, ठीक है। ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया सिमिलर टू साइकोथेरेपी एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर पर्सन किसी ट्रॉमा को फेस किया है, किसी भी तरह का ट्रॉमा है, खुद के साथ कुछ ट्रॉमा हुआ है, या नियर वन की डेथ हुई है, कुछ डिजास्टर को फेस किया है, किस तरह के आप कहें अनवांटेड इंसिडेंट्स को फेस किया है, जिसकी वजह से वो डर जो है वो दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है, वो डर इतना दिमाग में बैठ जाता है कि नॉर्मल एक्टिविटी भी इंटरफेयर हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बार 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 जो है उसकी इमेज सामने आती है, जो अनवांटेड इंसिडेंट्स हुआ है उसकी इमेज बार बार आती है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स कैसे करता है पर्सन, एंग्जाइटी होगा, गिल्ट की फीलिंग, डिप्रेशन, नाइटमेयर्स आएंगे कि जो डिजास्टर फेस किया है या नियर वन की डेथ हुई है, उन सबको बार बार सपने में वो चीज़ें वो देखेगा, ठीक है ना, और मोस्टली कोशिश करेगा कि सिचुएशन को अवॉइड करे, पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करे, ट्रॉमेटिक इवेंट को अवॉइड करे, ठीक है। सो सिम्टम्स मोस्टली इंट्रूजन, जिसमें हमने बताया, मैंने आपको बताया, जैसे हॉट फ्लैशेज आ जाता है आना, एंग्जाइटी फील करना, फ्लैशबैक, नाइटमेयर्स, ठीक है, अवॉइडेंस, पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करना, डिप्रेशन, गिल्ट, शेम, ये सब कुछ फेस करना, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है तो उस इवेंट से रिलेटेड मेमोरी लॉस भी हो जाता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द सिम्टम ऑफ पीटीएसडी, ठीक है, इरेटिबिलिटी, रेस्टलेसनेस, ठीक है, ये सब कुछ, ये आपको ओसीडी में तो नहीं बट नेक्स्ट जो है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है वहाँ पर भी सिमिलर तरह के सिम्टम्स ही देखे जाते हैं, ठीक है, बट कॉज डिफरेंट होगा। पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर में किसी ट्रॉमेटिक इवेंट का पहले होना ज़रूरी है, पर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि छोटी से छोटी सिचुएशन में भी पर्सन
एंग्जाइटी फील करने लगता है, ठीक है, एक्चुअल में कोई ट्रॉमेटिक हिस्ट्री नहीं है बट स्टिल ही इज फीलिंग एक्सट्रीम फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी. डायग्नोसिस सिमिलर मैंने बताया मेडिकल हिस्ट्री से होता है, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट इज बाय साइकोथेरेपी. तो आपको इन सभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ध्यान किस पे देना है कि किस वजह से हो रहा है और किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है. फोबिया क्या हो रहा है, एक्सट्रीम डर हो रहा है, ठीक है ना, पर्सन उस चीजों को फेस करने को अवॉइड कर रहा है, ठीक. ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या आ रहा है, चीजों को रिपीट कर रहा है पर्सन, ठीक है ना, अगर सफाई है तो बार 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 सफाई करनी, रीअश्योरेंस करना, ठीक है. और पीटीएसडी में क्या हो रहा है कि पब्लिक प्लेसेस को भी अवॉइड कर रहा है, हॉट फ्लैशेस और नाइटमेयर्स तो आ रहे हैं बट ही इज ऑल्सो अवॉइडिंग पब्लिक प्लेसेस, लोगों में मिलना जुलना, ठीक है ना, वैसी चीजों को भी वो अवॉइड कर रहा है, ठीक है. देन कम्स द जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर. जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है, वेन देयर इज वरी विदाउट एनी रीजन, ठीक है. जनरल टेंशन तो सबको होती है बट अननेसेसरी टेंशन करना इतनी ज़्यादा कि आपका जो ऑर्गन्स है, आपकी जो बॉडी है, वो नॉर्मली काम करना भी, नॉर्मल वे में रिएक्ट करना भी छोड़ दे, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर. सिम्टम्स क्या है, जर्नलाइज डिसऑर्डर का मेन सिम्टम है एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट वरी. अब आप इस चीज दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए कि आप गैड को पीटीएसडी से कैसे सेपरेट करेंगे या डिस्टिंग्विश करेंगे. पीटीएसडी में हर वक्त पर्सन को एंग्जाइटी नहीं रहती, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन एंग्जाइटी में रहेगा और विदाउट एनी अपियरेंस कॉज, ठीक है. अब वहाँ क्या हो रहा है, पीटीएसडी में पर्सन को कुछ टाइम पर जैसे नाइटमेयर्स आए या कुछ सिचुएशंस को फेस करके उसे अपना ट्रॉमेटिक इवेंट का जो है दोबारा से उसके माइंड में आएगा तो ही विल फियर, ही और शी विल फील लाइक एंग्जाइटी. बट गैड में इट इज़ कॉन्टिन्यू, ठीक है, हमेशा हो रहा है. और दीज आर द सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं जैसे रेस्टलेसनेस होना, मसल टेंशन, हेडेक, फटीग, इरेटेबिलिटी, ये सब कुछ होना. फाइन, ओके. सो कॉजेज की भी अगर हम बात करें तो गैड के कॉजेज क्या होंगे कि अगर तो कुछ ऐसी उसने चीज को फेस किया है, चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ उसके साथ हुआ है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो चांसेस है कि उसे हर वक्त हर चीज़ को देखकर डर लगे, हर चीज़ को देखकर एंग्जाइटी उसको फेस हो, ठीक है. और कुछ कॉजेज इसके हैं कि ब्रेन मेकअप को लेके भी, क्योंकि ऑल दीज आर एंग्जाइटी डिसऑर्डर, तो कहीं ना कहीं मेंटल मेकअप जो है माइंड में, माइंड के किसी पोर्शन में, ब्रेन के किसी पोर्शन में अगर कुछ अफेक्ट हो जाए हाइपोथैलेमस में या कुछ कॉर्टिकल रीजन में, तो देन इट कैन लीड टू जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर. ट्रीटमेंट सिमिलर जो मैंने आपको बताया, साइकोथेरेपी एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. जनरली इट इज़ नॉट आस्क्ड, मोस्टली आपको सिम्टम्स और उससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा. लास्ट जो है वो है पैनिक डिसऑर्डर. पैनिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर क्या है, जब एक एपिसोड हो, पैनिक डिसऑर्डर में देखिए एक इंटेंस फियर का एपिसोड होता है जो इस तरह के सिचुएशन कर देता है जैसे कि हार्ट अटैक के टाइम पे जिस तरह से बॉडी रिएक्ट करती है ना, सीवियर पेन होना, अनकॉन्शियस हो जाना, मसल टेंस हो जाना, पर्सन मतलब बिल्कुल उसमें पावर नहीं रहती किसी तरह की, ही लाई डाउन ऑन द फ्लोर, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है. और ये बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन में होगी और जनरली ऐसा नहीं होता कि ये बहुत लंबे टाइम के लगे, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है पैनिक अटैक, ठीक है ना, ये लॉन्ग टर्म नहीं है. आप गैड को देखेंगे तो दैट इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. पैनिक अटैक क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है लेकिन सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सिवियरिटी पैनिक अटैक की बहुत ज़्यादा है. कॉजेज क्या है, जेनेटिक्स, स्ट्रेस, टेम्परामेंट दैट इज मोर सेंसिटिव टू स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस और सर्टन चेंजेस इन द वे पार्ट ऑफ योर ब्रेन फंक्शन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल रीजन में फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं. अदरवाइज मोस्टली आप टेम्परामेंट से इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके कर सकते हैं. सिम्टम्स क्या होंगे, पैनिक अटैक सडन है, बिना वार्निंग के आता है और किसी भी वक्त आ सकता है, ठीक है. पैनिक अटैक हैव मैनी वेरिएशन बट सिम्टम्स यूजली पीक विद इन मिनट्स. वन में फील फटीग एंड वॉर्न आउट आफ्टर पैनिक अटैक सबसाइड, के पर्सन बिल्कुल थका हुआ महसूस करता है जब पैनिक अटैक चला जाता है, ठीक है. अब किस तरह का आता है सिम्टम्स, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम एंड डेंजर, जब पैनिक अटैक आएगा पर्सन को ऐसा लगेगा कि
उसको कोई डेंजर है जो उसको फेस कर रहा है, उसको कोई खतरा है, फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, रैपिड पाउंडिंग हार्ट रेट, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, ये सब कुछ जो है उसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। ठीक है, हॉट फ्लैशेस, नौशिया, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, चेस्ट पेन, हेडेक, डिजीनेस। ठीक, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक। और ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट सिमिलर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट है दैट इज सिमिलर, कॉग्निटिव थेरेपी एंड टॉक थेरेपी जो कि साइकोथेरेपी कही जाती है, साथ में कुछ मेडिकेशन जो जल्दी एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। फाइन, सो दैट इज इट फॉर द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 2। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे यूनिट 3 की रिवीजन। तब तक आप हार्डवर्क करते रहिए, मैम सी क्यूज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, रिवीजन बहुत तेज़ी से कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।